और बड़ी खबर आ रही है जमुआ रामगढ़ से। आदिवासी समाज के उत्थानकर्ता का प्रथम वार्षिकोत्सव, कांग्रेस नेता सचिन पायलट दांतली गांव पहुंच गए इस वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए। राव बादा मूर्ति स्थापना का प्रथम वार्षिकोत्सव है जिसके लिए सचिन पायलट पहुंचे हैं। इस देश में सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है हमारा संविधान है, और मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का। उन्होंने संविधान को सुरक्षित रखने का, संविधान की मूल भावनाओं को सुरक्षित रखने का, संविधान के असली मूल को जनता तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उससे पूरे देश में आज एक नई उमंग दौड़ी है। एक नई सरकार का गठन दिल्ली में हुआ है। राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन इन 10 सालों में जब से सरकार दिल्ली में बैठी है, हमारा जो किसान वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दबा कुचला पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग है, वो अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस क्यों करता है? बार बार लोगों के जहन में सवाल क्यों आता है कि अगर 400 पार हो जाते तो न जाने क्या करते। धन्य इस देश की जनता जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए एक ऐसी त्रिशंकु लोकसभा दी है जहां किसी दल को बहुमत नहीं मिला। ये गलत हमें नहीं माननी चाहिए, किसी दल को बहुमत नहीं मिला। एक मिली जुली सरकार बनी है, दो दो बैसाखियों को लेकर सरकार आगे चल रही है, और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली की संसद में जहां मुरारी जी और हरीश मीणा जी बैठते हैं आपके आशीर्वाद से, और मुझे कहते हुए बड़ा फख्र है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का। चाहे धौलपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे टोंक हो, सब जगह प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसद जीत कर गए हैं। छोटा भाई अनिल चोपड़ा बैठा हुआ है, आप लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी, पूरा मीटर खींचा था, 18-20 हजार से जीत कर गया रामगढ़ से, लेकिन साजिशपूर्ण तरीके से उनको संसद में जाने से रोका गया। लेकिन अनिल जी, आप नौजवान हो, आप हिम्मत रखो, संघर्ष करो, जब जनता मौका देगी तो छप्पर फाड़ के देगी, फिर तो रोके वाला नहीं होगा। किसान की बात, किसानी की बात, गरीब की, मजदूर की, नरेगा की, शिक्षा की, रोड की, बिजली की, स्कूलों की, अस्पतालों की, कॉलेज की, देश को विकास करना है, देश को जोड़कर रखना है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, हम लोग क्या बातें क्या करते थे। ये देश सबका है, सबकी भागीदारी है, सब नागरिक बराबर है, कानून संविधान बोलता है, हर नागरिक का एक वोट है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, संविधान सबसे ऊपर है। देश की सरकार चलेगी तो संविधान की भावना से चलेगी। आज ये माहौल बन गया। अब देखो, जब से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, संसद में क्या हाल है, बड़े बड़े नेताओं के मुंडे मुरझा गए, वो रौनक चली गई, वो हंसी चली गई, और जो बिल लेके आ रहे हैं, पहले कहा लैटरल एंट्री करेंगे, जो आईएएस के अधिकारी हैं उनकी भर्ती सीधा करेंगे, मतलब वहां पर भी वो जो दलित पिछड़ा आदिवासी गरीब पक्ष के लोग हैं उनके बच्चों को रोकना चाहते थे। हमने विरोध किया और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये विपक्ष की ताकत है, ये आपके संघर्ष की ताकत है। बहुत सारे बिल पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, लेकिन जब पूरा विपक्ष दहाड़ता है तो संख्या बल देखो, 290 तो सत्ता के हैं और 234 विपक्ष के हैं, बहुत ज्यादा फासला नहीं है।